सा है, हम ग्राम खोड़ा सा है, खोड़ा ग्राम के जो चरागाह के अंदर अतिक्रमण हो रखा है बाहर के लोगों द्वारा, उन लोगों को अतिक्रमण हटाने के बाद में ग्रामवासी पहले भी 2 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, और उस ज्ञापन के बाबत में अतिक्रमण हटाने के बाद में 17/9 को तहसीलदार जी को पाबंद करके आदेश पारित करके मौके को खाली करना के लिए पाबंद किया था। उस पाबंद को खाली करने के जब प्रशासन को भेजा तो उनके मौके पर ना उनके अतिक्रमण हटाने के पास में उनको जेसीबी उपलब्ध थी, और ना पर्याप्त मात्रा में जब उन बाहुबली लोगों के सामने वो उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, और वो मूक प्रशासन मूक बधिर बन करके एक मतलब शून्य के समान कार्रवाई करके आए, तो उससे गांव जब में आक्रोश पैदा हो रहा था कि जब बाहुबली लोगों का जब अतिक्रमण हट नहीं पाएगा तो गांव वाले पशुपालन कहाँ चराएंगे, और 1 महीने से लगातार प्रयास ये करेंगे चरागाह को खाली करवा जाए, 2 गांवों के बीच में आकस में टकराव हो सकता है, उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से लिपापोती कार्रवाई कर रहे हैं चरागाह के अतिक्रमण को, जब तक खाली नहीं कराओगे गांव आंदोलन करके भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। यहाँ पे पूर्व में शिकायत 2 बार कर चुके हैं हमने, और अभी तक उनमें उचित कार्रवाई हमारे को नहीं की गई है, और मौके पर से बाहुबली लोगों को अभी तक बेदखल नहीं किया गया, उनके अभी भी मौके पर है, उन्होंने किया तो वो एक शून्य के समान है। खोड़ा गांव का बाबूराम जी।